नमस्कार। तो आज के गतिविधि में हम एक स्ट्रॉ से स्पिनर बनाएंगे और इसको चलाने के लिए न्यूटन का तीसरा सिद्धांत लगता है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। इसके लिए एक साधारण सी स्ट्रॉ चाहिए और इस स्ट्रॉ को हम दो भागों में बांट देंगे। एक भाग थोड़ा छोटा है और दूसरा भाग थोड़ा बड़ा है। छोटे वाले भाग को लेकर इसको बीच में से मोड़ देंगे। तो ये देखिए, ये दो भागों में हमने इसको मोड़ दिया है। जहां से हमने मोड़ा है वहां से दो तिरछे कट लगाएंगे, एक ऐसे और फिर दूसरी तरफ से। ऐसा करने से यदि हम इसको खोलेंगे तो हम पाएंगे इसमें एक बर्फी जैसा छेद यानी रोम्बस जैसा छेद बन गया है। छेद अगर हमारे बिल्कुल सामने है तो हमें इसको ऐसे दबाना है, ऊपर नीचे की दिशा में, ऐसे ऊपर नीचे। ऐसे नहीं दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे और इसके दोनों कोनों पर टेप लगा देंगे। ये हमारे टेप के बहुत दो छोटे टुकड़े हमने काट लिए। ये उठाया, इसको टुकड़े को हमने ऐसे दबाया था, एक टुकड़ा यहां पर लगा दिया और दूसरा टेप का टुकड़ा यहां पर लगा दिया। हमने अब क्या पाया, छेद हमारे बिल्कुल सामने है और टेप हमने ऐसे लगा दी, वर्टिकल, सीधी ऊपर नीचे। टेप के बचे हुए टुकड़े को काट दिया चारों दिशाओं में से। अब सबसे मजेदार चीज करनी है, एक तरफ इस कोने को तिरछा काटना है ऊपर की तरफ। तो ये छेद हो गया, हवा अगर इधर से आती है तो ऊपर की तरफ जाएगी और दूसरी तरफ नीचे की तरफ, यानी। तो अब हमने देखा एक तरफ छेद ऊपर की तरफ है और दूसरी तरफ छेद नीचे की तरफ है। तो ये तो हमारा स्पिनर हो गया। अब हमें फूकनी बनानी है जहां से हम फूकेंगे। उसके लिए ये जो बचा हुआ स्ट्रॉ का टुकड़ा है इसको हमने ले लिया और इसमें हम एक खांचा बनाएंगे। देखिए खांचा कैसे बनाएंगे। खांचे के लिए हमने यहां पर छोटा सा कट लगाया, उसी कट को ऊपर घुमा दिया और ऊपर घुमाने के बाद बाहर घुमा दिया। तो ये हमारा एक खांचा बन गया। ये खांचा दिख रहा है आपको, यहां पर खांचा बन गया। इस खांचे के अंदर हमने अपना स्पिनर डाल दिया और हमें यह देखना है यहां पर घर्षण ज्यादा ना हो, ये थोड़ा आराम से फ्रीली फूंकनी इसके अंदर घूमे। बस हमारी फूंकनी तैयार है। अब हमें क्या करना है, यहां से जोर से फूंक मारनी है, आगे से बंद करेंगे और हम पाएंगे कि हमारी क्यों घूमी। बहुत ही बढ़िया सिद्धांत है। जब हमने यहां से फूंक मारी तो आगे से छेद बंद करना है, नहीं करेंगे तो नहीं घूमेगी। क्यों, हवा सीधी बाहर निकल गई। अगर हमने यहां से अपनी उंगली लगाकर इसको बंद करा तो हमारी हवा बाहर तो नहीं निकली, यहां पर जो छेद था इससे इस दिशा में गई, यहां पर बाहर निकलकर इस फिरकनी से ऊपर की तरफ निकली। और जब ऊपर की तरफ निकलेगी तो उसका प्रतिबल नीचे की तरफ लगेगा, इधर चली जाएगी। एक तरफ ऊपर से निकल रही है तो नीचे की तरफ बल लगता है, इस तरफ नीचे की तरफ निकल रही है तो ऊपर की तरफ बल लगता है। इसके कारण हमारी फिरकनी, अब देखिए ये ऐसे घूम रही है। और अगर हमें इसको उल्टा घुमाना हो तो क्या करना पड़ेगा, अंदर खींचे क्या, उससे कुछ नहीं हुआ। हमें सिर्फ इसकी दिशा ऊपर की तरफ नीचे कर देनी पड़ेगी। ऊपर था तो नीचे की तरफ बल लगता था, ऐसे घूमती थी, उल्टा कर दिया तो नीचे से हवा निकली, ऊपर की तरफ बल लगेगा तो इस तरफ घूमेगी। अब देखिए उल्टी घूमने लगी। फूंक मारना चालू करें और घूमती रहे तो उसके लिए यहां पर एक छोटी सी टेप लगा दीजिए। छोटी सी टेप काटकर इस स्ट्रॉ का मुंह आगे से बंद कर दिया।
आशा है आपको हमारे ये फिरकनी के खिलौने जो हमने साधारण स्ट्रॉ से बनाए पसंद आए होंगे और आप जब भी बाजार में जाएं ये फिरकनी जरूर घुमाते हुए जाएं। धन्यवाद।